मणिपुर में 3 मई को भड़की हिंसा के बाद जान माल का काफी नुकसान हुआ है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोमवार को जानकारी दी है कि हिंसा में अब तक 60 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। सीएम ने माना कि अब भी 10,000 लोग फंसे हुए। इसके साथ ही बीरेन सिंह ने कहा कि पहले दिन से पूरे घटनाक्रम पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर बनाए हुए हैं। मणिपुर के सीएम ने हिंसा की चपेट में आए परिवारों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। मणिपुर हिंसा पर पहली बार बात करते हुए सीएम एन बीरेन सिंह ने राजधानी इम्फाल में मीडिया से कहा कि 3 मई को दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 60 निर्दोष लोगों ने जान गंवाई। इस हिंसा में 231 लोग जख्मी हुए हैं। 1700 घरों को उपद्रवियों ने चला दिया। मैं राज्य के लोगों से शांति और सौहार्द की अपील करता हूँ। जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक 20,000 फंसे हुए लोगों को निकाला जा चुका है। करीब 10,000 लोग अब भी फंसे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटना के दिन से लेकर आज तक स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने केंद्र बलों की कई कंपनियों भी भेजी है। इसके साथ ही सीएम एन बीरेन सिंह ने हिंसा के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। सीएम बीरेन सिंह ने कहा कि मृतकों के परिवार के लिए 5-5 लाख रुपए, गंभीर चोट से घायल लोगों के लिए 2-2 लाख और कम गंभीर चोट का शिकार लोगों के लिए 25,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही जिनके घर जले हैं उन्हें 2-2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। न्यूज़ डेस्क, आगरा न्यूज़।